हेलो एवरीवन, सो आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये 24 जन का एक क्वेश्चन पेपर है, 2023 वाला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था, जिसका आंसर क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस की वजह से था। वो लास्ट में मैंने जल्दी से बोल दिया था क्लॉस्ट्रिडियम, बट क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस की वजह से था। तो क्वेश्चन नंबर 21, द बॉडी ऑफ अ 24-year-old वुमेन विद प्रोबेबल साइंस ऑफ पॉइजनिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन द स्ट्रीट। Forensic medical examination was requested by an investigator during examination of the site and the body. According to the criminal procedure code currently in force in Ukraine, forensic medical examination is required when it is necessary to determine the. तो इसमें पूछा गया है कि जो forensic medical examination होता है वो कब होता है, कब forensic team होती है। तो जैसे कि अपन इंडिया में भी अपन ने देखा होगा कि बहुत बार forensic team को बुलाया जाता है, तो forensic team कब आती है? CID में भी देखा होगा फोरेंसिक टीम आती है, वो कब आती है? जब किसी की डेड बॉडी मिलती है तब। तो वो डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? कॉज ऑफ डेथ, की क्या कारण है। फोरेंसिक टीम क्या बताती है कि कारण क्या था उसके मरने का? तो फोरेंसिक टीम क्या बताती है? कॉज बताती है डेथ का, कारण क्या था, कैसे मरा, वो टंग के मरा, किसी ने उसका खून किया है वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अ 17-year-old गर्ल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हिपेटिक सिरोसिस फॉर 3 years। 3 साल से उसको हिपेटिक सिरोसिस है। लेटली हर पीरियड्स ऑफ एक्साइटेशन हैव बीन इंटरमिटेंट विद डिप्रेशन। शी डज नॉट स्लीप इनफ। ऑब्जेक्टिवली हर कंडीशन इज सीवियर। द गर्ल इज स्लगिश, गिव वन वर्ड रिस्पॉन्स, हैज़ ट्रेमर इन हर एक्सट्रीमिटीज, स्किन एक्टेरिक है विद सिंगल हेमोरेजिक रैश। तो इसमें क्या क्या और दिया हुआ है कि 3 साल से उसको हिपेटिक सिरोसिस है। उसके बाद कहा है कि अब उसके ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, स्किन में जॉन्डिस भी है, एक्टेरिक स्किन है, सिंगल रैश भी है हेमोरेजिक। तो हिपेटिक सिरोसिस के बाद क्या होता है भाई, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है हिपेटिक सिरोसिस का? हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। जब ब्रेन के फीचर्स इन्वॉल्व हो जाएं, जब ब्रेन के फीचर आने लग जाएं, ब्रेन के फीचर जैसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो वन वर्ड रिस्पॉन्स कर पा रही है सिर्फ, तो ये सारे कब आते हैं? जब ब्रेन फीचर आते हैं, तो ये होता है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35-year-old मैन है, कंप्लेन ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग फैटिक, पाल्पिटेशन, विजुअल स्नो डिजीनेस, ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर ऑफ द स्टमक। उसके पेप्टिक अल्सर ऑफ स्टमक की हिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिवली द स्किन इज पेल, वेसिकुलर रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व इन द लंग्स, सिस्टोलिक मर्मर इज डिटेक्टेड ओवर द कार्डिक एपेक्स, हार्ट रेट इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, एपिगैस्टम जो है वो स्लाइटली टेंडर है, मतलब कि उसको पालपेट करते टाइम थोड़ा सा उसको पेन हो रहा है, टेंडरनेस है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में इरेथ्रोसाइट्स 3.2 है जो कि कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, कलर इंडेक्स 0.94 है। तो कौन से टाइप का एनीमिया होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसकी हिस्ट्री किसकी थी? पेप्टिक अल्सर्स की स्टमक में। तो जब किसी के पेप्टिक अल्सर ऑफ स्टमक की हिस्ट्री होती है, इसका मतलब कि उसके भाई ब्लड लॉस हुआ होगा, उसी की वजह से उसके इरेथ्रोसाइट्स जो है वो थोड़े से कम आ रहे हैं, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स नॉर्मल 3.5 से 4.5 होते हैं नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 3.2, मतलब स्लाइटली कम है। हीमोग्लोबिन 120 मिलीग्राम पर लीटर से नॉर्मल स्टार्ट होता है और यहाँ पे 100 है, तो स्लाइटली रिड्यूस है आरबीसी और हीमोग्लोबिन। और उसकी हिस्ट्री थी पेप्टिक अल्सर की, तो मतलब उसके पास्ट में ब्लीडिंग हुई होगी, जिसकी वजह से अब उसको एनीमिया के सिम्टम्स हैं। तो इसका मतलब एनीमिया के सिम्टम्स अब आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, मतलब हेमरेज के बाद उसको एनीमिया हुआ है, तो पोस्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन है 24th। इसमें बोला है कि 45-year-old मैन अंडरवेंट अ कार्डियक सर्जरी, उसकी कार्डियक सर्जरी हुई है 1 हफ्ता पहले। हिज जनरल स्टेट जो है वो डिटेरियोरेटिंग है, उसके डिस्निया एट रेस्ट पे है, रेट्रोस्टर्नल पेन है जो कि नेक तक रेडिएट कर रहा है, मार्क्ड वीकनेस है, और हिज बॉडी टेम्परेचर हैक्टिक है, हिज कार्डियक बॉर्डर्स आर एक्सपेंडेड, मतलब जो कार्डियक बॉर्डर्स होते हैं वो एक्सपेंडेड है, एपिकल बीट जो है वो वीक है, ऑस्कल्टेशन में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आ रहा है। तो जब भी पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आता है तो वो किस में आता है? वो आता है पेरिकार्डाइटिस में। वो किस में सुनाई देता है हमें? पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई देता है। इसका मतलब दो पेरिकार्डियम जो है उनके बीच में इन्फ्लामेशन चल रही है, और उससे क्या हो रहा है, उनमें फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, मतलब वो रब कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तब होगा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, और जो पेरिकार्डियम है वो कहाँ होती है? ये लेयर किसके आसपास होती है? हर्ट के चारों तरफ होती है ना, तो जो हमारा हर्ट होता है ऐसे शेप का, हमारा हर्ट ऐसे शेप का अगर हम देखा जाए तो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें तो हर्ट के चारों तरफ इन्फ्लामेशन है, तो इस वजह से वहाँ पे पेरिकार्डाइटिस, हमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई दे रहा है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया? पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कब सुनाई देता है? पेरिकार्डाइटिस में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है
जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने रिपीट किया था, क्योंकि ये अभी 20 जून को भी ये वाले क्वेश्चन में आया था। अ 34-year-old मैन अंडरगोज ट्रीटमेंट इन अ साइकेट्री यूनिट फॉर एग्जर्बेशन ऑफ इज साइजोफ्रेनिया। उसका बढ़ता जा रहा है साइजोफ्रेनिया, ठीक है। वो बेड में लेटा रहता है पूरे दिन, कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई कांटेक्ट नहीं करता किसी से, कोई क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता, और वो उसी पोजीशन में बैठा रहता है घंटों तक, ठीक है। द पेशेंट इज़ हाइपोमिमिक, कोई एक्सप्रेशन नहीं है फेस के, ठीक है। पकरिंग ऑफ द लिप्स, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, साइकोलॉजिकल पिलो आर प्रेजेंट। द पेशेंट हैज़ बिन रिमेनिंग इन दिस कंडीशन फॉर हफ्तों तक। वो एक ही कंडीशन में लेटा रहेगा, ठीक है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि वो एक ही कंडीशन में लेटा हुआ है, या फिर डॉक्टर ने उसका हाथ ऊपर उठाया तो वो वैसे का वैसा खड़ा करके ऊपर हाथ उसका है और वैसे ही उसी पोजिशन में रहेगा बहुत देर तक, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। क्या बोलते हैं इसको? कैटाटोनिक स्टूपर, ठीक है। कैटाटोनिक स्टूपर होता है कि एक ही पोजिशन में घंटों तक, महीनों तक, हफ्तों तक पड़े रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। इसमें जो है फॉरेंसिक ऑटोप्सी की है एक बॉडी की, 59-year-old मैन की, जो सडनली मर गया था घर पे, विदाउट साइंस ऑफ वॉयलेंट डेथ, पिंक स्किन एंड म्यूकोसा, लिक्विड ब्राइट रेड ब्लड है उसका, ब्राइट रेड प्लेथोरिक है, इंटरनल ऑर्गन्स है। इसने डिटेक्ट किया कि उसके ऑर्गन्स में 1.44% इथेनॉल है और ब्लड में और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल 55% है। तो इसके डेथ का कारण क्या है भाई? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल कितना ज़्यादा है, इसमें बोला है 55%, जबकि हमारे जो है ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन यहाँ क्या बाइंड है? हमारी कार्बन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, इसी वजह से तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है। और कार्बन जब बाइंड होगी, वो क्यों बाइंड होगी? क्योंकि बंदे की बॉडी में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गई होगी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से उस बंदे की डेथ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाना कि जब भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल आई, इसका मतलब उसकी पॉइजनिंग किसकी हुई है? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th, अ 65-year-old वुमेन फॉर 5 weeks हैज़ बीन प्रेजेंटिंग विद अ प्रोग्रेसिंग पेनलेस जॉन्डिस, मतलब उसका जॉन्डिस जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्किन में ईचिंग हो रही है, वेट लॉस हो चुका है 10 kg का और एक कोलिया है, ठीक है। पालपेशन में क्रूवर्जियर साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है? अब भाई देखो, उसका जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 5 हफ्तों से है उसके, और उसका वेट लॉस भी हो रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में जब वेट लॉस आता है तो हम उसमें डिटेक्ट करते हैं भाई कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर में ही वेट लॉस होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाना। तो उसका 10 kg वजन घट गया है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कुछ कैंसर से लेना देना है। अब देखो क्रूवर्जियर साइन पॉजिटिव बता रहा है, तो जो क्रूवर्जियर साइन पॉजिटिव होता है ये आता है कि उसके भाई मैकेनिकल जॉन्डिस हुआ होगा, इस वजह से उसके भाई जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी इस वजह से उसको जॉन्डिस हो रहा है, तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये साइन दिया हुआ है पॉजिटिव, ये पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक कैंसर में पॉजिटिव मिलता है क्रूवर्जियर साइन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक होता है इसमें जो है हेमोरेजिश रैश, मतलब कि पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये दिखता है पैनक्रियास के कैंसर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 28। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मॉर्बिडिटी द डाटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक लिविंग कंडीशन एंड हार्मफुल हैबिट्स ऑफ द पेशेंट्स वर ऑब्टेन। व्हाट मेथड अलाउज द असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ट्यूबरक्लोसिस मॉर्बिडिटी। किससे पता चलता है कि भाई बंदे की जो मॉर्बिडिटी आ रही है वो टीबी की वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पल्मोनरी टीबी की मॉर्बिडिटी को स्टडी किया गया है। तो जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और दो फैक्टर को हम रिलेट करते हैं, किसी दो कंडीशन को कोरिलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया है कि पल्मोनरी टीबी किन में आ रही है, सोशियो इकोनॉमिक लिविंग कंडीशंस और हार्मफुल हैबिट्स की वजह से, तो यहाँ पे दो फैक्टर को रिलेट किया गया है। तो जब भी दो फैक्टर्स को कोरिलेट करेंगे तो उसका आंसर होगा कोरिलेशन कोफिशियंट। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर है हार्मफुल हैबिट्स की, गंदी आदत को, और एक किया है उसकी लिविंग कंडीशंस को, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है, उसके पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की मॉर्बिडिटी बढ़ती जा रही है। तो इन दो कंडीशन को क्या किया है, कोरिलेट किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेंटर फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर एंड डिजास्टर मेडिसिन रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ लोकल सिटीजन हु कंप्लेंड ऑफ रेट्रोस्टर्नल। उसके फ़ोन किया है, उसके पेन हो रहा है, रेट्रोस्टर्नल कंस्ट्रक्टेड पेन्स इरेडिएटिंग टू द लेफ्ट
हैंड हैंड में जा रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन से भी उसका कोई रिलीफ नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखना, अगर नाइट्रोग्लिसरीन से कोई रिलीफ नहीं होता है तो उसका आंसर होता है अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है उसके। क्या हो रहा है उसके? अनस्टेबल एंजाइना। तो यहाँ पे हमने डायग्नोसिस बना लिया, क्योंकि कुछ PYQ में क्या आया है कि नाइट्रोग्लिसरीन से कोई रिलीफ नहीं है तो कौन से टाइप का एंजाइना है, तो हम आंसर लगाते हैं अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उसको कितनी जल्दी जो है उसके मेडिकल टीम जो है वो पहुँच जानी चाहिए। तो जैसे ही उसने कॉल किया उसके बाद विद इन 10 मिनट्स, लाइक 10 मिनट्स आफ्टर द कॉल वॉज मेड, तो उसका इमरजेंसी मेडिकल टीम को वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा उसको मोर देन 20 मिनट तो इस्चेमिया होने लग जाएगा ना उसको स्टार्ट, इसलिए। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अ 19-year-old गर्ल कंप्लेन्स ऑफ मॉडरेट ईचिंग एंड हेयर लॉस ऑन हर हैंड, उसके हीचिंग है और उसके हेयर लॉस हो रहा है। ऑन द स्किन ऑफ हर ऑक्सीपिटल रीजन, उसके ऑक्सीपिटल रीजन पे सिंगल राउंड एडेमेटस फोकस 3 सेंटीमीटर का है विद क्लियर मार्जिन, एस्बेस्टोस लाइक स्केल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, और उसका जो हेयर का लेंथ है वो कितनी लेंथ से टूट रहा है, 6 से 8 mm की डिस्टेंस की दूरी पर टूट रहा है। तो जब भी ऐसे डिस्टेंस पर टूट जाए ना बाल, तो उसके आंसर होता है माइक्रोस्पोरिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरिया क्या होता है? माइक्रोस्पोरिया की वजह से जो है हेयर की लेंथ जो है 6 से 8 mm की डिस्टेंस पर टूटने लग जाती है, और वहाँ पर ऐसे ऐसा एक छोटे छोटे बालों का ऐसे पैच हो जाता है कि हाँ भाई इतनी लेंथ से वो टूट गया है। तो इसलिए उसको बोला गया ना एस्बेस्टोस लाइक स्केल्स बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ के सारे बाल जो हैं 8 mm के डिस्टेंस पे टूट गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्पोरा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, माइक्रोस्पोरा नहीं दिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर माइक्रोस्पोरा ऑप्शन में नहीं है तो हम उसका आंसर मारते हैं ट्राइकोफाइटोसिस। तो आंसर क्या लगाते हैं? ट्राइकोफाइटोसिस। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइक्रोस्पोरा, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरिया दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ 32-year-old वुमेन ड्यूरिंग एन ऑक्यूपेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरवेंट अ कोल्पोस्कोपी दैट रिवेल्ड अ पंक्टेशन एरिया इन जोन 1 ऑफ द यूट्राइन सर्वेक्स, देर वॉज डिस्प्लेसिया ऑफ द 3rd degree डिटेक्टेड, आफ्टर एडिशनल एग्जामिनेशन द पेशेंट वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर इन सीटू ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। तो उसके जोन 1 में, तो जो सर्विक्स का एरिया होता है, जो हमारे सर्विक्स का एरिया होता है, उसके जोन 1 में अगर मिला है हमें, ठीक है, उसके जोन 1 में हमें कैंसर मिला है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उस एरिया को कट कर देंगे ऐसे। तो ये क्या कट कर दिया हमने ऐसे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया कोनाइजेशन। तो ये क्या कर दिया हमने? सर्वाइकल का कोनाइजेशन कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाइकल का हमने कोनाइजेशन कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसके एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, लिंगुअल पैपुले हैं, पैपुले स्मूद हो चुके हैं पैपिले, ठीक है, उस पर कोई ऐसे ऐसे करके जो हमारी टंग होती है उस पर कोई ऐसे ऐसे पैपिले नहीं है, अब वो स्मूथ हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। और उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इरेथ्रोसाइट्स तो बिल्कुल ही कम है, कलर इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैक्रोसाइट्स, तो मैक्रोसाइट में गैलोब्लास्टिक एनीमिया कब मिलता है? जब उसके B12 की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की में होता है, तो यहाँ पे माइक्रोसाइट मिलते हैं। माइक्रोसाइट लिखा हो क्वेश्चन में या फिर एनआइसोसाइट लिखा हो, माइक्रोसाइट एनआइसोसाइट या फिर पोइकिलोसाइट लिखा हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में हम आंसर मारेंगे आयरन लेवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैक्रोसाइट, तो मैक्रोसाइट लिखा हो, मिगेलोब्लास्ट लिखा हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आंसर क्या क्लिक करना है? वहाँ पे आपको आंसर मारना है विटामिन B12 लेवल, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि किस उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्रोसाइट्स दिया होता है और मैक्रोसाइट्स में B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और माइक्रोसाइट्स और एनआइसोसाइट दिया हो तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, 26-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ चिल्स है, उसके राइनाइटिस है, ड्राई कफ है, फीवर इतना है, शोज हिम टू बी इन मॉडरेटली सीवियर कंडीशन, देर आर स्मॉल पेल पिंक स्पॉट, नॉन मर्जिंग स्पॉट्स। जब नॉन मर्जिंग स्पॉट्स होते हैं ना, तो याद रखना नॉन मर्जिंग स्पॉट्स आपके रूबेला में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? रूबेला में मिलते हैं, ठीक है, ऑन द स्किन। और अगर क्वेश्चन में आपके कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे जैसे कंजक्टिवाइटिस नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कंजक्टिवाइटिस दिया हो तो कंजक्टिवाइटिस का आंसर हम हमेशा मारते हैं मीजल्स, ठीक है, मीजल्स। और अगर म्यूकोसा का हाइपरेमिया दिया होता है, म्यूकोसा का हाइपरेमिया, तो जहाँ पे म्यूकोसा का हाइपरेमिया दिया होता है हम उसका आंसर मारते हैं स्कारलेट फीवर। क्या मारते हैं? स्कारलेट फीवर। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूबेला पे, मीजल्स पे और स्कारलेट फीवर पे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नॉन मर्जिंग स्पॉट्स दिए हुए हैं। तो जब नॉन मर्जिंग स्पॉट्स हो तो हम आंसर क्या लगाएंगे? रूबेला वायरस लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि
यहाँ पे मेन तो होता है, जैसे मैंने पूरे क्वेश्चन का हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे मेन होता है गबाइस साइंस पॉजिटिव है और लैरिस साइन. तो जब भी ये दो साइन लिखे हों तो वहाँ पे हमेशा आंसर क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस फ्रैक्चर. क्योंकि भाई जब प्यूबिक का फ्रैक्चर हुआ है तभी तो वो अपने पैर को ऊपर नहीं उठा पा रहा है. द पेशेंट इज़ अनेबल टू लिफ्ट द एक्सटेंडेड लेग एज इफ द हील वॉज ग्लूड डाउन. क्यों क्यों क्योंकि भाई उसका प्यूबिक सिम्फाइसिस के वहाँ पे, जो प्यूबिक का सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पोर्शन होता है पेल्विक का, वहाँ पे फ्रैक्चर है इस वजह से. तो ये साइन पॉजिटिव है, लैरिस साइन और गबाइस साइन पॉजिटिव आए तो प्यूबिक सिम्फाइसिस फ्रैक्चर लगाना है. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में बोला है एक एम्प्लॉय है वो बीमार है 4 महीने से, उसका फर्दर ट्रीटमेंट नेसेसरी है, पेशेंट अब काम पे करने नहीं जाता है, तो कौन उसका डिसेबिलिटी एग्जामिन करेगा. तो हमेशा आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं. ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई डिसेबिलिटी हुई हो, डिसेबिलिटी यानी किसी के कोई लॉन्ग टर्म फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे कि किसी के फ्रैक्चर हो गया तो मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, डिसेबिलिटी हो गई उसको, प्राइमरी डिसेबिलिटी या सेकेंडरी डिसेबिलिटी जो भी समझो. ठीक है, तो अब वो काम नहीं कर सकता. जब वो काम नहीं कर सकता तो हमेशा उसका जो एग्जामिन करता है वो MSEC ही करता है. कौन देखता है उसको? MSEC, मेडिकल सोशल एक्सपर्ट कमेटी. तो हमेशा उसका क्या आएगा? MSEC आएगा जब भी डिसेबिलिटी की बात हो. अगर ट्रांसफ़र की बात हो कि हाँ भाई पहले उसका इसके पास था, अब उसको दूसरे के पास भेज रहे, जो ट्रांसफ़र होता है ना वो DCC के पास करता है. तो DCC क्या करता है? हमेशा ट्रांसफ़र. और डिसेबिलिटी कौन देखता है? MSEC. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशियो मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 58-year-old वुमेन हैज़ type 2 डायबिटीज मिलेटस. उसके कौन से टाइप की डायबिटीज़ है? type 2 डायबिटीज मिलेटस है. दैट इज़ कम्पनसेटेड विद डाइट एंड मेटफॉर्मिन. मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो ठीक भी, मतलब नॉर्मल लेवल में है अभी. डाइट और मेटफॉर्मिन की टैबलेट उस पर काम कर रही है. ठीक है, शी प्रिपेयर्स फॉर कोलिसिस्टेक्टमी. उसने प्रिपेयर किया पर्सन को कोलिसिस्टेक्टमी के लिए. उसकी हाइट इतना है, वेट इतना है, हार्ट रेट इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है. अबडोमन इज सॉफ्ट पेनफुल इन द राइट सब कोस्टल रीजन. द लीवर इज नॉट इन लास्ट. लीवर इन लास्ट नहीं है. फास्टिंग ग्लूकोज कितना है? 6.2, जो कि ज़्यादा है. क्योंकि अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर आपका 5.6 से ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा माना जाता है. ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 6.5% है, जो भी ज़्यादा है. वट फर्दर टैक्टर्स ऑफ शुगर थेरेपी शुड बी चूजन इन दिस केस. तो भाई अब देखो, अगर इसमें जो है, अगर बंदे की जब हमने ग्लूकोज चेक किया तो वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, अगर किसी की कंट्रोल में नहीं आ पा रही होती है तो वो जिस भी टैबलेट, जिस भी मेडिसिन पे होता है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं इंसुलिन पे. ठीक है, तो इसको हम थोड़े समय के लिए किस पे अफेक्ट कर देंगे? इसको हम इंसुलिन पे डाल देंगे ताकि इसका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कंट्रोल में चल जाए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोला है ऑन द 5th डे आफ्टर गिविंग बर्थ अ पोस्ट पार्टुरेंट वुमेन कंप्लेन्स ऑफ अ पेन इन हर लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड एंड बॉडी टेम्परेचर इतना है. एग्जामिनेशन शोज दैट हर मेमोरी ग्लैंड इज इनलार्ज्ड एंड पेनफुल ऑन पाल्पेशन. द निप्पल इज एडिमेटस एंड हैज फीजर्स. द अपर एक्सटर्नल क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लैंड इज हाइपरेमिक. तो इसका मेजर्स दैट वुड हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट. ठीक है, तो अब इस फीमेल के क्या बताया कि उसके हाइपरेमिया हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है ब्रेस्ट में, और उसके इन्फ्लेमेशन भी हो रही है. ठीक है, तो हम ऐसे कंडीशन में, और मेमोरी ग्लैंड इनलार्ज्ड भी है और पाल्पेशन कर रहे हैं ना, उसमें तो वुमेन को पेन हो रहा है. इसका मतलब कि जो बच्चा जब छोटा होता है वो दूध पीता है तो उसको स्टार्टिंग में दूध पीना नहीं आता, तो कई बार क्या होता है वहाँ पे फीजर्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, बच्चे ने अच्छे से दूध नहीं पिया है इस वजह से. तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी मदर को बोलते हैं कि जब बच्चे को ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश ना करें. जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा खुद कोशिश करेगा पीने की, तभी आप उसको फीड करें. तो इसको क्या बोलते हैं? फीडिंग ऑन डिमांड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. तो इससे क्या होगा कि निप्पल के फीजर्स होने से बच जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चा क्या होता है कि काट लेता है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फीडिंग ऑन डिमांड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रिवेंशन ऑफ निप्पल फीजर्स. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ 20-year-old वुमेन कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, वर्टाइगो, टीयरफुलनेस, वोमिटिंग, पेन इन द एरिया ऑफ द हार्ट एंड टैकीकार्डिया. ये साइन अपीयर हो रहे हैं 6 से 7 दिन में पहले, बिफोर मेंस्ट्रुएशन के, और फिर बाद में जैसे ही फर्स्ट डे स्टार्ट होता है ये डिसअपीयर हो जाते हैं साइन. मतलब कि ये सिम्टम्स जो है उसको हर महीने सिर्फ पीरियड से पहले आ रहे हैं. तो मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले आना मतलब प्री, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 39. इसमें मैंने इसका ऐसे याद किया था कि बुबोनिक प्लेग क्या है? बीड़ी पीता है. सो बी से बुबोनिक प्लेग होता है. ठीक है,
और ब्यूबोनिक प्लेग का जब ट्रीटमेंट पूछते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसको अच्छे से याद कर लेना कि ब्यूबोनिक प्लेग के ट्रीटमेंट में हम बीडी देते हैं, बीडी, डी से डॉक्सीसाइक्लिन, तो बीडी, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अ 38 ईयर ओल्ड पेशेंट्स हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय एन एम्बुलेंस टू अ सर्जिकल डिपार्टमेंट, कंप्लेंट्स हैं उसकी ये सब है, एग्जामिनेशन पे डॉटेड हेमरेजेस ऑन द स्किन टोर्सो एंड एक्सट्रीमिटीज़ पे मिल रहे हैं, ब्लैक फिसिस ग्लव पे हुआ जब डिजिटल एग्जामिनेशन किया, हीमोग्लोबिन कम है उसका, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है। तो अगर क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया भाई उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा, जो उसके हेमरेजेस हो रहे हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से आ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा, ठीक है। पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आता है एचएसपी, तो उस क्वेश्चन में एचएसपी क्या दूसरा नाम क्या होता है, नॉन इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा, मतलब कि उसमें कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता है वो, ठीक है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता है, उसमें थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल होता है एचएसपी पे, लेकिन उसमें क्या कंडीशन मिलती है, उसमें तीन चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, उसमें जॉइंट्स की हिस्ट्री दी होगी, ठीक है, उसमें जॉइंट्स पे हेमरेजेस दिखाए होंगे, आपको जीआईटी के सिम्टम्स भी दिए होते हैं उसमें, ठीक है। तो जॉइंट्स और जीआईटी के सिम्टम्स जब मिलते हैं तब उसका आंसर एचएसपी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या है, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा है 14 साल से, मल्टीपल इनपेशेंट ट्रीटमेंट कोर्सेज चल रहा है, सी कंप्लेंट्स ऑफ इंटरमिटेंट डल पेन इन द एरिया ऑफ हर हार्ट, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक्स, स्वोलन आईलिड्स, वेट लॉस, पेनफुल डिफॉर्म्ड जॉइंट्स इन हर लिम्स, प्रोग्नोसिस ऑफ हर कंडीशन विल बी वर्स इफ़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड। तो याद रखो स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, स्क्लेरोसिस होने लग जाती है हर चीज़ का, हर ऑर्गन्स का स्क्लेरोसिस हो रहा होता है, हर ब्लड वेसल्स का, सिस्टम का स्क्लेरोसिस चल रहा है, इसलिए सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि स्क्लेरोसिस चल रहा है तो कौन से ऑर्गन का सबसे अफेक्टेड मोस्ट करेगा, मतलब वर्स कंडीशन हो जाती है अगर वो ऑर्गन अफेक्ट हो जाए, तो आप इसको ऐसे याद करो, स्क्लेरोडर्मा, सी का के बना दो, मतलब कि किडनी, अगर किडनी इफेक्ट हो जाती है तो कंडीशंस जो है वर्स हो जाती है पेशेंट की, तो स्क्लेरोडर्मा में किडनी का इफेक्ट मोस्ट डेंजरस होता है, ठीक है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी ना वहाँ पे, कि वहाँ पे जो है जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, ठीक है। डिजीज ऑनसेट वॉज अक्यूट, अ चाइल्ड डेवलप जनरल वीकनेस, पेन इन द जॉइंट्स, फीवर, तो यहाँ पे जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट दे दी उन्होंने कि भाई जॉइंट्स में पेन हो रहा है, फिर उन्होंने हेमरेज की भी दे दी कि हेमरेजिस हो रहे हैं, और उन्होंने इंटेस्टाइन की भी दे दी, मतलब जीआईटी की भी दे दी, तो जब भी जीआईटी, जॉइंट्स और हेमरेज आ जाए, मतलब तीनों कंडीशन इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसका आंसर होता है हमारा एचएसपी। क्या आंसर होता है, एचएसपी, और ये बच्चों में होता है, ठीक है। तो एचएसपी हीमोशोलिन परपूरा, जिसमें कि क्या क्या कंडीशन देखोगे एचएसपी के लिए, एचएसपी के लिए देखोगे आप कि जॉइंट्स और जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व होना चाहिए, या तो एब्डोमिनल में पेन हो जाए या फिर इंटेस्टाइनल में हेमरेजेस हो जाए, कुछ भी, तो जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है और हेमरेजेस भी हो रहे हैं उसको, तो इसका आंसर क्या होगा, हेमरेजिक वैस्कुलाइटिस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला